हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग ऑन रोम इज होम। सो आज मैं हूँ पुणे में। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं बैंगलोर टू पुणे आया था कल, एंड आज मेरा डे टू है पुणे में। और आज मैं सुबह से अभी ऑफिस काम कर रहा था तो थोड़ा सा बिजी था, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे। अभी शाम का टाइम है और मेरे रूम के पास में एक बहुत फेमस टेम्पल है, मुझे पता नहीं था। अभी जस्ट गूगल मैप में देखा तो ये काफ़ी फेमस टेम्पल है, स्वामी नारायण टेम्पल नाम करके, और देखने में भी फ़ोटो में बहुत सुंदर है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ वहाँ विजिट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन, वहाँ चलते हैं, वहाँ का व्यू देखते हैं, और उसके बाद अगर हुआ कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड्स भी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बिगिन। स्वामीनारायण टेम्पल पुणे शहर की एक रिच कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो कि सिचुएटेड है बैंगलोर टू पुणे हाईवे के साइड नरेगांव एरिया में। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर और कार्विंग्स, जो कि बिना स्टील के यूज किए हुए पत्थर से ही सब कुछ बनाया गया है, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। मंदिर कैंपस के अंदर खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ साथ चारों तरफ लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ की एम्बियंस विजिटर्स को एक काफी पीसफुल और काम वाइब ऑफर करती है। यहाँ मंदिर के वॉल्स और पिलर्स पे हमारे हिंदू देवा देवियों की हजारों मात्रा में कार्विंग्स और मूर्तियाँ सब देखने को मिलती है, और ये सब ट्रेडिशनली हैंडमेड है। ये जो स्ट्रक्चर आप अभी देख रहे हैं इसे कहते हैं तोरण, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तोरण सब हमारे इंडिया की रेड स्टोन एंड पिंक स्टोन से बनी हुई है, जिसके वजह से इनका व्यू काफी एस्थेटिक लग रहा है। मेन मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मुझे लगा कि अंदर की खूबसूरती बाहर से कहीं गुना ज्यादा है। स्पेशली स्टैचू ऑफ ऑल द आइडल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ कैंपस के अंदर बहुत सारे सिटिंग स्पेस भी बना हुआ है, जिसमें विजिटर्स बैठ के सुंदर व्यू के साथ में पीसफुल वाइब को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्पेशली इवनिंग में लाइटिंग्स के साथ मंदिर और ज़्यादा ग्लो और सुंदर दिखती है। सो गाइज, अभी मैंने टेम्पल घूम लिया और बहुत सुंदर लगा मुझे ये टेम्पल। अभी मैं आके इसके पास में एक ऐसे सिटिंग एरिया है, वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ओवरऑल टेम्पल बाहर से इतना सुंदर है, अंदर से कहीं ज़्यादा और सुंदर है। मंदिर से आते टाइम एक बड़ा पाव शॉप के बाहर मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखा, और पुणे में आके बड़ा पाव ट्राई ना करके आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया बड़ा पाव एंड इट वाज रियली डिलीशियस। सो गाइज, अभी टेम्पल के बाद मैं आ गया हूँ जोगेश्वरी मिसल। यहाँ का एक फेमस पॉइंट है जहाँ से मिसल पाव ट्राई करना चाहिए, और मैंने ये रिकमेंडेशन यूट्यूब पे देखा था। यहाँ पे पूरा मिसल का जो थाली है वो दिए हैं 150 रुपीज़ में, बहुत सारे आइटम है उसे देखा जाए तो। इट इज़ लुकिंग रियली एपेटाइजिंग। ये मिसल थाली के टेस्ट एंड क्वांटिटी दोनों मस्त है, फुल सेटिस्फैक्शन एंड हाईली रिकमेंडेड।